Hello, my dear lovely students of class 6 and all students. R.K. Singh is here to explain, to tell my experience of English to you all. I hope ki aap good honge aur enjoy kar rahe honge life ko, enjoy kariye. Aur agar aap new hain, first time dekh rahe hain my channel par aaye hain, तो सब्सक्राइब इट आप कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट आता हो तब. इफ यू लाइक इट ओनली देन, अदरवाइज नो नीड. हाँ, एनसीईआरटी की सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 6 एंड लेसन अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. एक अजीब तरह का स्कूल है भाई, अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल यार. स्कूल तो आप जानते हैं जहां हम नॉलेज गेन करते हैं. हमारा सेकेंड फर्स्ट स्कूल तो हमारा होम ही होता है. सेकेंड जहां हम स्कूल जिसको कहते हैं, जब हम वहां जाते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज पाते हैं, अपने जीवन को संवारते हैं. वी डेकोरेट आवर लाइफ, वी मेक आवर लाइफ, वी बिकम व्हाट एवर वी वांट इन आवर लाइफ इन स्कूल. हम स्कूल में ही वो सब कुछ होते हैं जो हम बनना चाहते हैं. इसलिए नेवर मिस योर स्कूल. ओके, कभी भी स्कूल को मिस मत करिए, क्योंकि इसका एक सर्टेन पीरियड है बस, उसके बाद स्कूल आपसे हमेशा के लिए चले जाएंगे. फिर तो आपकी लाइफ ही आपके लिए स्कूल हो जाएगी. ईवी लुकास, इसके जो राइटर हैं ईवी लुकास, यस ऑथर इज ईवी लुकास. पोएट लिखा हुआ था, उसको डिलीट करके आई रोट दिस. ईवी लुकास बहुत अच्छे एसेस्ट हैं, ही इज अ वेरी गुड एसेस्ट. इस लेसन में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल में क्या है. भाई स्कूल ही अजीब है, गजब का हटके है. डिफरेंट माने हटके, जो चीज डिफरेंट होता है वो हटके होता है, सबसे अलग होता है भाई, जुदा होता है, एकदम अजीब स्कूल होता है. तो बिफोर यू रीड, इसको स्टार्ट करते हैं. डू यू नो दीज वर्ड्स? इफ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, बैंडेज, क्रैश, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम, कह रहे अगर आप इन शब्दों को जानते हैं तो जानिए, अगर नहीं जानते हैं तो आप इनको, इनकी मीनिंग ढूंढिए. जैसे है बैंडेज है, वो पट्टी वट्टी लगाई जाती है जो, क्रच जानते हैं वैसाखी होती, क्रिपल जो हम लोग विकलांग हो जाते हैं या हमारे में कोई दोष आ जाता, शारीरिक फिजिकल फॉल्ट कोई भी हो जाए, ऑनर सम्मान, मिसफॉर्च्यून दुख होता है, सिस्टम प्रणाली. लुक आउट दिस पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. कह रहे हैं इस पिक्चर को आप देखिए और आप गेस करिए, एक्सपीरियंस करिए, फील करिए कि ये स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसे डिफरेंट है. हाउ दिस स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर स्कूल्स. अदर माने दूसरे स्कूलों से कैसे डिफरेंट है. तो आइए देखते हैं, लेट अस स्टार्ट दिस लेसन. ओके, यस, आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. अब यहां जो हमारा राइटर है, ऑथर है, वो कह रहा है कि यार मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बड़ा सुन रखा था, जैसा है वैसा है, सबसे डिफरेंट है, मोस्ट डिफरेंट स्कूल है, लेकिन अभी पिछले महीने मुझे वहां चांस मिला जाने का. विजिट मतलब होता है मैं वहां गया. जब हम जानते हैं, यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं कि वो बहुत फेमस है, वो थोड़ा सा क्या मोस्ट डिफरेंट है, तो हम उसके बारे में, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, उसको फील या एक्सपीरियंस करने की, या उसको विजिट करके जानने की कोशिश करते हैं. सेम ऐसे ही इसमें भी हो रहा है. जो ऑथर है ईवी लुकास, ये कह रहे हैं कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बड़ा सुन रखा था, बस तमन्ना हुई, इच्छा हुई, और पिछले हफ्ते मुझे जाने का, वहां विजिट करने का भी मौका मिल गया, चांस मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई. व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इनसाइड बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12. व्हेन आई अराइव्ड देयर, और जब मैं वहां पर पहुंचा, व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां There was no one inside. कोई भी मुझे वहां दिखाई नहीं दिया. एक गर्ल थी जिसकी उम्र 12 माने 12 साल की एक लड़की रहेगी. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully but
between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. एक चार साल का लड़का एक 12 साल की लड़की को फूलों के बीच से होते हुए फ्लावर बेड्स उसको ले जा रहा था, कहीं पर उसको कंपनी दे रहा था, साथ दे रहा था उसको, और बड़ी केयरफुल्ली उसको ले जा रहा क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी उस लड़की के. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो रुक गई, वो लड़की रुक गई, स्टॉप माने रुक गई, और उसने उससे पूछा जैसे कि कौन है जो आया है, यानी ये जो अथर हमारा गया है. He seemed to be describing me to her. और ऐसा लगा कि जैसे वो लड़का मेरे बारे में उसको बताया. Then they passed on, उसके बाद वो चले गए. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. और Miss Beam के बारे में थोड़ा वर्णन करें, जिसका स्कूल है, जिसके स्कूल जो डिफरेंट है, और जिसके स्कूल में इन्होंने विजिट किया है लुकास साहब ने, हमारे आथर ने. वो कह रहे हैं कि जैसा मैंने आशा एक्सपेक्टेड होप किया था वैसे ही निकली, मिडिल एज की हैं, ऑल फुल ऑफ, मतलब फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरा अधिकार अपने हाथ में है उनका, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंड, फिर भी बहुत काइंड हैं, बहुत समझदार हैं. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड. कह रहे हैं उनके बाल जो है ग्रे हो रहे हैं, यानी भूरे पक रहे हैं. एंड सी हैड द काइंड, उनकी बॉडी थोड़ा सा मोटी प्लम्प हो गई है. एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड. जैसे होम सिक चाइल्ड को, एक घर बच्चे को होम के घर की याद आती है, वैसे ही जैसे लग रहा है कि वो अपने आप को कम्फर्ट करती हैं. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स व्हिच आई हैड हर्ड वेयर सिंपल. कह रहे कि मैंने उनसे कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछे कि आपके टीचिंग मेथड क्या है, आप कैसे डिफरेंट तरीके से आप पढ़ाती हैं बच्चों को, ये सब मैंने उनसे पूछा. क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि उनके यहाँ का जो टीचिंग मेथड है बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. कह रहे नो मोर इज नीडेड, बस उनको क्या बताया जाता है कि वे सीखें. बच्चों को हम लोग बताते हैं कि लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कैसे चीजें करें, कैसे सिंपल स्पेलिंग, स्पेलिंग याद करवाना, एडिंग जोड़ना, सब्सट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, एंड राइटिंग लिखना, यही सब सारी चीजें हम लोग भी पढ़ाते हैं, जैसे हर स्कूल में होता है, यही सब सिखाते हैं. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग व्हिच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. द रेस्ट इज, बाकी कह रहे हैं रीडिंग उनसे, बाय रीडिंग टू देम मैंने पढ़ करके, और इंटरेस्टिंग टॉक्स बड़ी अच्छी अच्छी बातें उनसे की जाती है, और जिसके दौरान ड्यूरिंग व्हिच वह बड़ी शांति से बैठते हैं, कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को एकदम क्वाइट शांत रखते हैं, मतलब कोई हलचल नहीं करते हैं, इतनी इंटरेस्टिंग वे में उसको बताया जाता है. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स. हाँ, इसके अलावा कोई प्रैक्टिकली लेसन्स नहीं होते हैं ऐसे ही. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बींग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. हाँ, कह रहे हैं इस स्कूल का मेन लक्ष्य जो है, रियल एम है, नॉट टू सो मच टू टीच थॉट, अपने विचारों को बताना या पढ़ाना नहीं है, बल्कि टू टीच थॉटफुलनेस, उनको विचारशीलता, वो विचारवान बने, वो गुणवान बने, उनके अंदर विचार आए. काइंडनेस टू अदर्स, वो दूसरों के प्रति दयालु बने. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और अपने देश के योग्य और जिम्मेदार नागरिक बने, ये बनाना लक्ष्य होता है. ये नहीं कि हम अपने विचार बता दिए, बच्चे कुछ भी बन जाएं, ये नहीं, नहीं नहीं, उनको एक काइंड, रिस्पॉन्सिबल एंड थॉटफुल सिटीजन बनाना इस स्कूल का एम है. बहुत अच्छा भाई एम है, यही होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स. पढ़ाइए, बुकीज नॉलेज से कोई नॉलेज नहीं होता है. आपने जो सीखा आपकी लाइफ में, उसको आप क्या, उसको आप एडॉप्ट करते हो कि नहीं, आप उसको प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करते हो कि नहीं. अगर नहीं कर रहे हो तो बुकीज नॉलेज से आपको कुछ होने वाला नहीं है. लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, जरा आप खिड़की के बाहर तो देखिए, जहां बैठे हुए हैं. ऑथर से कह रही है मिस बीम, जरा आप बाहर तो देखिए. I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked.
मैं खिड़की के पास गया, बाहर देखा, मिस बीम ने मुझसे पूछा आप क्या देख रहे हैं। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स आई सेड एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी सुंदर है ग्राउंड है, वहाँ पर बगी मैंने ग्राउंड है, मैदान है और बच्चे वहाँ सब खेल रहे हैं, बहुत जॉली बच्चे हैं, प्रसन्नतापूर्वक खेल रहे हैं। इट पेंस मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। हाँ थोड़ा सा कह रहे हैं मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि देखने में वो सारे बच्चे बहुत एक्टिव और बहुत हेल्दी नहीं दिख रहे हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about. मैंने देखा जी एक गरीब लड़की, एक बेचारी लड़की जो किसी के द्वारा उसको सहायता दी जा रही थी, जो मिली थी इनको लड़की 12 ईयर वाली और जो 4 ईयर का बॉय उसको हेल्प कर रहा था। सी हैज सम ट्रबल विद हर आई, शायद उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी, बेचारी देख नहीं पा रही थी, ब्लाइंड थी। अब ये अपना एक्सपीरियंस अभी बता रहे हैं कि मुझे बड़ा इट पेंस मी ए लॉट, बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे, बड़ा दुख हुआ, मेरा दिल टूट गया भैया। इट ब्रोक माई हार्ट टू सी दैट गर्ल। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी। अब मैं फिर देख रहा हूँ कैसे ही दो लड़कियाँ यहाँ पर और हैं, ऐसे ही दो बच्चे। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग अदर सेट प्ले, और वो एक लड़की को देख रहा हूँ कि वो बैसाखी लिए हुए है, वो दूसरों को खेलते हुए देख रही है लेकिन खुद नहीं खेल पा रही है। सी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, लग रहा है जैसे वो विकलांग है, दिव्यांग है, क्रिपल्ड है। ये सब देख के मुझे पेन हो रहा है, पेन मेरे हार्ट में ना बड़ा पेन हो रहा है, बिग पेन, बड़का दर्द, बिग पेन हो रहा है। मिस बीम लाफ्ड, और मिस बीम हंसने लगी, खूब जोर से हंसती है, लाफ्ड हार्टली, दिल खोल के हंसी। ओ नो She said she is not really lame. अरे नहीं 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 आप डोंट वरी, चिंता मत करिए, इतना बड़ा बिग पेन मत ले लीजिए। अरे भाई इतने हार्ट पर इतना बड़ा पेन नहीं लीजिए। She is not really lame. अरे वो लंगड़ी वंगड़ी नहीं है। This is only her lame day. आज उसका लंगड़ा दिन है, आज उसको lame day खेलना है, आज उसका lame day क्लास है, आज वो lame day सीख रही है कि एक lame के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आज वो lame day है उसका। The others are not ब्लाइंड आइदर, इट इज ओनली दियर ब्लाइंड। दूसरे बच्चे आप देखकर इतने आपको सफरिंग हो रही है, आपको इतना ट्रबल हो रहा है, वो सब कोई ब्लाइंड ब्लाइंड नहीं है, वो सब के सब अपना ब्लाइंड डे का क्लास ले रहे हैं, वो सीख रहे हैं, आज उनका टर्न है ब्लाइंड डे का। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर सी लॉट अगेन, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है सब देख के सुन के, और मैं वो हंसने लगी फिर। This is very important part of our system. अरे हमारी यही तो हमारी सिस्टम, हमारी प्रणाली, हमारी एजुकेशन सिस्टम का यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। To make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in misfortune too. हम अपने बच्चों को कि वह दूसरों के misfortune को, दुख को समझें, महसूस करें, इसी के लिए हम उनको ये दुख बांटते हैं, शेयर करते हैं मिसफॉर्च्यून, उनको लेम बनाते हैं, उनको ब्लाइंड बनाते हैं, उनको डेफ बनाते हैं, उनको सब कुछ बनाते हैं ताकि वो महसूस तो करें भाई कि अगर कोई लेम है तो उसको कितना कष्ट, कितनी प्रॉब्लम होती है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। हर टर्म पर एक बच्चे को कभी ब्लाइंड डे बनना पड़ता है, अंधा दिन, कभी लंगड़ा दिन, कभी बहरा दिन, तो कभी उसको चोट वाला इंजर्ड डे बनाया जाता है उसको द्वारा किया जाता है, कभी डम डे गूंगा भी बनना पड़ता है उसको। ये सारे डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और होल डे उसको ऐसा करना पड़ता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। जब उनका ब्लाइंड डे आता है तो उनकी आंखों को बांध दिया जाता है और उनको झांकने नहीं दिया जाता, वो पीप नहीं कर सकते हैं, तनिक भी नहीं कर सकते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और पट्टी रात भर भी बंधी रहती ताकि वो अंधेरे अंधे होकर ही अगली सुबह उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, और इसी में सीखते हैं कि एक अंधे व्यक्ति को कितनी जरूरतें पड़ती हैं, क्या क्या उसको और कैसे जिंदगी उसको झेलनी पड़ती है, कैसे वो मिसफॉर्च्यून को फील करता है और उसको बियर करता है।
अदर चिल्ड्रन आर गिवेन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और दूसरे बच्चों को एक जिम्मेदारी देते कि आप उनके हेल्पर बनिए, आप उनके लीड करिए, उनको आप हेल्प करिए, उनको सारी चीज मुहैया कराइए, उनको सपोर्ट करिए। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, और इस तरह से दोनों को दोनों सीखते हैं, ब्लाइंड वाला भी सीखता है, हेल्पर भी सीखता है। देर इज नो माइजरी अबाउट इट, देर इज नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड, कह रहे हैं इसमें कोई दुख की बात नहीं है, एवरी वन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम, अरे ये यहाँ हर कोई बहुत काइंड है, बहुत दयालु, बहुत अच्छे दिल के लोग हैं, और इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम, एक गेम की तरह होता है। बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, यहाँ तक कि जो सबसे थॉटलेस चाइल्ड होता है वो भी दिन के ओवर, दिन समाप्त होते होते महसूस करने लगता है, वो भी जान जाता है कि दुख क्या चीज होती है, व्हाट इज मिसफॉर्च्यून, कोई कैसे जिंदगी जीता है, उसको भी इस बात का अनुभव हो जाता है, और वी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, कह रहे वैसे ब्लाइंड डे तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सबसे बुरा होता है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उनके लिए डम डे जो होता है ना, ना बोलने वाला दिन, सबसे कष्टकारक होता है। वी कैन नॉट बाइंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, अब चूंकि हम बच्चों के मुंह तो नहीं बांध सकते ना, तो उनको अपनी विल पावर को कंट्रोल करना पड़ता है कि कैसे ना बोलें, क्योंकि डम बने हुए हैं। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, आइए बगीचे में चलते हैं, गार्डन में चलें और हम खुद बच्चों से इंटरव्यू करें, पूछें कैसा वो महसूस करते हैं। मिस बीम लेड हिम टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस आथर कह रहे हैं कि हमको एक बच्चे के पास जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई, वहां लेके मिस बीम गई और कही कि ये एक जेंटलमैन है जो आपसे बात करने आए हैं, और इतना कह के वो वहां से चली आई, हम वहीं पर हम और वो लड़की रह गए। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा कभी झांकती नहीं हो इधर उधर से, भाई हम लोग तो झांकते ही, अगर आंख में कोई बांध देता है आप वो खोलते हो ना हाइड सीक और वो टच करने वाला, ओ नो सेक्स, नहीं नहीं कभी नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, अरे तो धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज शो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन वो लड़की कह रही है कि मुझे पहली बार फील हुआ कि अंधा होना कितना भयानक होता है, यू कॉन्ट सी ए थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, हर आपको कुछ दिखाई नहीं देता, हर पल आपको लगता है कि बस हम गिरने वाले हैं या हम किसी चीज से लड़ने वाले हैं। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, सिर्फ बैठने में बड़ा मजा आराम मिलता है कि बस बैठे रहो, सिर्फ बैठे रहो। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आस्क, मैंने पूछा क्या तुम्हारा जो हेल्पर है वो तुमको मदद करता है, काइंड है, दयालु है, तुम्हारे प्रति अच्छा है, फेयरली, हाँ ठीक ही है, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माय टर्न, लेकिन वो उतने केयरफुल नहीं है जितना मैं होंगी जब मैं हेल्पर बनूंगी, क्योंकि मैं अभी ब्लाइंड का रोल कर चुकी हूँ ना। दोस्त That have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. उन्होंने कहा कि जो ब्लाइंड बन चुके हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर बनते हैं, और ये तो बहुत ही भयानक होता है, बड़ा दर्दनाक होता है किसी चीज़ को ना देख पाना। I wish you would try. मैंने विश किया कि आप शायद ट्राई करेंगे। Shall I lead you anywhere? I asked. मैंने पूछा कहीं आप चलना चाहेंगे, कहीं जाना चाहोगी? ओ यस ही सेड, लेट अस गो फॉर ए लिटिल वॉक, आइए थोड़ा सा घूम टहल लिया जाए, थोड़ा सा वॉक कर ले। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप ही अब मुझे चीज़ों के बारे में बताएंगे। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मैं बहुत खुश होंगी आज जब मेरा ये आज का दिन ये समाप्त हो जाएगा, मेरी ब्लाइंडनेस चली जाएगी, कहने का मतलब मेरा ब्लाइंड डे ओवर हो जाएगा, उस दिन मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे जो दिन होते हैं जैसे लेम डे, इंजर्ड डे, डम डे, ये तो इसके आधे भी ज्यादा दुखदाई नहीं होते, मतलब सबसे दुखदाई होना ब्लाइंड होना है। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग ऑन ए क्रश इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, कह रहे कि भाई लंगड़ा बनना और क्रश के सहारे चलना और हॉप करना, फुदकना, बड़ा मजेदार होता है, तो मजा आता है मेरे हिसाब, वो लड़की बता रही है। हैविंग एन आर्म टाइड इज ए बिट मोर ट्रबल, हाँ हाथ बांध देना थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होता है।
हैंड ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि आप जो हाथ आपका टाई कर दिया बांध दिया जाता है तो आप खाना नहीं खा सकते हो, आप हमेशा दूसरों पर एक तरह से डिपेंडेंट रहते हो. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डेफ फॉर ए डे एट लीस्ट नॉट मच. हाँ कह रहे कि डेफ होना भी एक दिन से ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये भी बहुत वो है, बट बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग. लेकिन भाई ब्लाइंड होना, अरे बाप, ये तो सबसे कठिन कार्य है. माई हेड एक्स ऑल द जस्ट ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. मेरे दिल, मेरा ये हार्ट, सॉरी हेड, मेरा सिर में दर्द होता रहता है कि कहीं मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊँ, मुझे चोट ना लग जाए. वेयर आर वी नाउ, अब हम लोग कहाँ हैं, उसने पूछा है ऑथर से, उस गर्ल ने. इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम प्ले ग्राउंड में है और हम घर की तरफ चल रहे हैं. मिस भीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ मिस भीम ऊपर नीचे टहल रही हैं. व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, लड़की क्या पहनी हुई है. माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी उस छोटी सी दोस्त ने मुझसे पूछा, ऑथर ऐसा कह रहा है. ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, एक ब्लू कॉटन स्कर्ट है और एक पिंक ब्लाउज पहनी हुई है. आई थिंक इट्स मिली, सी सेड. व्हाट कलर इज हर हेयर, अच्छा अच्छा तो ये शायद मिली होगी. वैसे उसके बालों का कलर क्या है, वेरी लाइट, कुछ हल्के हैं, मैंने कहा. यस दैट्स मिली, सी इज द हेड गर्ल, वही हेड गर्ल है, वो सब लड़कियों की हेड है. दैट इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोज़ेस, आई सेड, मैंने कहा एक बूढ़ा व्यक्ति है जो गुलाबों को बांध रहा है. यस दैट्स पीटर, ही इज द गार्डनर, ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. हाँ हाँ वो पीटर है, हमारे स्कूल का माली है और 100 साल का है वो, 100 ईयर्स का. एंड हियर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, सी इज ऑन क्रचेस, और मैंने देखा कि यहाँ एक लड़की है कर्ली रेड हेयर जिसके बाल घुंघराले और लाल हैं, सी इज ऑन क्रचेज, और वो बैसाखी पे चल रही है, बैसाखी लिए हुई है. ओ दैट्स अनीता सी सेड, अरे उसने कहा वो तो अनीता है, अनीता अनीता. एंड सो वी वॉक डाउन, और इस तरह से हम चलते रहे. ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, और मुझे महसूस हुआ कि मैं 10 गुना ज़्यादा बुद्धिमान हो गया, थॉटफुल हो गया हूँ, बस इतनी ही थोड़ी सी देर में. आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपुल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और मैंने ये भी सीखा कि महसूस किया जाना कि अगर अब मुझे किसी के बारे में डिस्क्राइब करना हो किसी के बारे में तो मैं और इंटरेस्टिंग वे में बता सकता हूँ. इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, मतलब वो और भी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग वे में बता सकते हैं, ऐसा मैंने भी रियलाइज़ किया, वो तो कर ही रहे थे. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. और अंत में जब मैं मिस भीम से परमिशन लिया कि परमिट मी टू लीव, अब जाने की आज्ञा दी जाए, तो कह रहे हैं मुझे बड़ा दुख हुआ, छोड़ने का दिल नहीं कह रहा था. सच ए डिफरेंट प्लेस, सच ए डिफरेंट स्टूडेंट्स, सच डिफरेंट स्कूल को, कह रहे हैं ऐसे डिफरेंट स्कूल को छोड़ते समय मैंने मिस भीम को बताया कि मुझे बहुत दुख है, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी टू लीव दिस प्लेस, सच ए डिफरेंट स्कूल एंड such different types of students. Oh, she replied, then there is something in my system after all. और मिस भीम ने उत्तर दिया, हाँ भाई यही तो हम कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो समथिंग डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स, यही तो है जो हमको यूनिक बनाता है. तो माई डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यही कहेंगे कि आप भी अपना डिफरेंट वे बनाइए, आप भी अपना डिफरेंट वे बना के चलिए, क्योंकि जो डिफरेंट वे बनाता है वही एक दिन इस वर्ड से डिफरेंट हो जाता है, और अजीब एक अलग तरह का इंसान बनना है तो अपनी एक अपनी पहचान बनाइए. तो इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड हो गया, एंड आई होप कि आपको इस लेसन ने एक बिग मैसेज दिया है कि हम भले देखने में अलाइक हैं और सिमिलर हैं, लेकिन हमको अपने ज़िंदगी, अपने कार्य करने के तरीके, वाट एवर वी डू, वाट एवर वी थिंक, वी शुड थिंक स्मार्ट वे में, और स्मार्ट वे में अगर थिंक करोगे, बी स्मार्ट, बी डिफरेंट, तो जब डिफरेंट करोगे तो आप खुद ही स्मार्ट हो जाओगे, और दुनिया स्मार्टों की है,
जो स्मार्ट है वही दुनिया को कंट्रोल और रूल करते हैं। तो आप भी बी स्मार्ट एंड थिंक डिफरेंट वे में। इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपके लिए बहुत यूजफुल, फ्रूटफुल एंड बहुत ही फुल ऑफ नॉलेज रहेगा ये सेशन, ये क्लास। तो आप इसको नेवर मिस टू फॉरगेट, नेवर मिस एंड फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल आर के सिंपल क्लासेस। माई बेस्ट विशेज आर विद यू। थैंक यू। कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच।